नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। नवागत एडीजी वेंकटेश्वर राव ने मंगलवार को डीआईजी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण करने के दौरान एडीजी ने अपराधों पर नियंत्रण के साथ साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दस्तावेजों के रखरखाव से संबंधित निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने एडीजी से मांग की कि कार्यालय में स्टाफ के साथ बैठने के साथ साथ दस्तावेजों के रखरखाव और व्यवस्थित रखने के लिए कमरों की कमी है, जिसके बाद एडीजी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे रिक्त पड़े भूमि पर नवीन भवन के निर्माण का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि एडीजी का ये डीआईजी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पहला भ्रमण था। सर, आज एडीजी सर ने निरीक्षण किया है डीआईजी ऑफिस और एसपी कार्यालय का, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? हाँ सर, के पहले तो था सर वो विजिट पैंच लेके, तो आज सर ने डीआईजी ऑफिस का विजिट किया, साथ में एसपी ऑफिस का भी किया। एसपी ऑफिस में पूरा उन्होंने देखा है और एसपी साहब ने सर से निवेदन किया था कि इसमें और थोड़ा सा कंजेस्टेड है, ऑफिस स्टाफ के लिए जगह पर्याप्त नहीं, तो सर ने पीछे के लिए जो जगह खाली पड़ी उसमें एक नया हॉल निर्माण करने के लिए भी निर्देश दिए एसपी साहब को, उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिससे ऑफिस स्टाफ को पर्याप्त जगह मिल सके। अभी साहब ने और आवश्यक कुछ निर्देश दिए हैं जो अपराध नियंत्रण के संबंध में हैं, उसको अलग से पालन कराया जाएगा।